सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो गाइज, कल मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। आज से आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो, और शाम में मिलेगी 5 बजे। ये आप लोगों को मैं अभी से बता देता हूँ, 5 बजे शाम को आपको मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? डेली के डेली, ठीक है? अभी आज हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चन है ये जीके के, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलना लास्ट में, और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वियतनाम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है हनोई, नामपे, मनीला, रोका। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही आंसर होगा ऑप्शन एक, हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपके 1989 में, 1972 में, 1964 में और 1986 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1986 में जो है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, केप टाउन, बहरीन और ग्वाटामाला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी बहरीन जो है वो मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जर्मनी और पोलैंड को कौन सी सीमा रेखा विभाजित करती है? ऑप्शन है 36वीं सीमा रेखा, 36वीं समांतर रेखा, 52वीं समांतर रेखा और 3 नंबर है ऑर्डरनीस रेखा, 4 नंबर डुरंड रेखा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी ऑर्डरनीस रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1555, 1526, 1556, 1771। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा किनकी कृति है? ए लियोनार्डो द विंची, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज ऑरवेल और पिकासो। ये क्वेश्चन के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो मई में एग्जाम हुआ था, यानी स्टार 1 हुआ था एयरफोर्स का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, लियोनार्डो द विंसी जो है इन्होंने मोनालिसा की कृति की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, बोधगया में, लुम्बिनी में, कुंडग्राम में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। कौन सा शहर 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है? ऑप्शन ए है मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी चंडीगढ़ जो है 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए विटामिन ए जो है वो पपीता में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पटना विश्वविद्यालय जो है बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्सिया शेक्सपियर के किस प्रसिद्ध नाटक की पात्र है? एज यू लाइक इट, हेमलेट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है उनकी प्रसिद्ध नाटक पात्र हैं पोर्सिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटियस अल्टियस फोर्टियस किसका आदर्श वाक्य है? एक बार फिर से, सिटियस अल्टियस फोर्टियस किसका आदर्श वाक्य है? एशियाई खेल का, ओलंपिक खेल का, विंबलडन का, राष्ट्रमंडल खेल का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी ओलंपिक खेल का सिटियस अल्टियस फोर्टियस आदर्श वाक्य है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, प्रथम भारतीय सिनेमास्कोप फिल्म कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आपके आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, संगम, कागज के फूल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कागज के फूल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, महान रचनाकार W.A. मोजार्ड किस देश के निवासी हैं? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के ये निवासी हैं, ठीक है? शाह अब्दुल अजीज पदक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है?
अफगानिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, यानी सऊदी अरब का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे शाह अब्दुल अजीज पदक बोला जाता है। तो गाइज आज के लिए 15 क्वेश्चन थे, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलना कि आपने कितना किया है इसमें और कितना सही है आपका, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैथ की है वो मिल जाएगी आपको 5 बजे शाम में 5 बजे, ये आप लोग नोट कर लो और इसी टाइम पे आपको मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।